कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube चैनल लाइव सिटीज को। और आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि बिहार के 18 जिलों से जो भी शिक्षा के शिक्षक संगठन है वो यहां पर मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल में और विरोध करने के लिए। और इन्हें आज ये घेराव करने जा रहे हैं विधानसभा का। तमाम जो संगठन है और जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं। और उससे पहले तस्वीर देखिए कितनी भारी जनसंख्या में जो बिहार के तमाम जिलों से और ख़ासकर 18 जिले के जो संगठन है वो इस गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है अपनी मांगों को लेकर के। हम नीचे चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनके आखिर मुद्दे क्या हैं, किन बातों को लेकर के आज वो विधानसभा के घेराव करने के लिए निकल रहे हैं। जो तमाम शिक्षक हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, उनकी मांगे क्या हैं सीधे शिक्षकों से ही जानते हैं। आज विधानसभा घेराव का आप लोग ने सोच लिया, क्या कारण है? कारण है कि हम लोग आज से नहीं लगभग 14 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं समान काम समान वेतन के लिए। और ये जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं ये बिल्कुल ऐसी सरकार है कि सब सरकार पूरे देखे वहाँ कलकत्ता में कर दिया और ये साथ में जा कर के केंद्र सरकार के साथ मिल करके हम लोग का समान काम समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ी और इस ये हुआ कि हम लोग हार गए। लेकिन इस हार को हम लोग हार नहीं माने हैं और हर हाल में इस सरकार से हम लोग समान काम समान वेतन लेके रहेंगे। अच्छा, इसलिए आपने लगा रखा अपना टाइम आएगा? जी जी, हमने इसलिए लगा रखा है कि मेरा टाइम जरूर आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। सर, आपकी क्या मांग है जो समान हम लोगों की मांग है कि इसके पहले हम लोग हाईकोर्ट से समान काम का समान वेतन जीते हुए थे केस, इसके बाद में सरकार अपील में गई सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी हम लोग हार गए केस को। लेकिन केस के हार जाने से हम लोगों का हक मारा जाएगा? एक ही स्कूल में तरह तरह के टीचर हैं, किसी का वेतन 45,000 है, किसी का वेतन 16,000 है, किसी का वेतन 22,000 है। उस प्रकार से काम समान लिया जा रहा है तो समान काम है तो समान वेतन चाहिए। ऐसा रवैया क्यों किया जा रहा है? जो मुखिया है नीतीश कुमार उनके तरफ से इस तरीके का जो रवैया है आखिर क्यों किया जा रहा है आप लोगों के साथ, ऐसा क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, बेसिकली जो सरकार की राजनीति है जो हम हमेशा शिक्षकों के ऊपर ही करती रहती है, वो ठीक है, शिक्षकों को कैसे किस तरीके से वो मतलब कि थोड़ा सा नीचे दिखाना, ठीक है, और जो भी कार्य होता है मतलब कि काम ज़्यादा लेती है हम लोगों से और जो मतलब वेतनमान देने का टाइम आता है तो उस टाइम वो पिछड़ जाती है। मुख्य बिंदु है कि समान वेतन मिलना चाहिए। जी, समान वेतन मिलना चाहिए, समान वेतन और मिलना चाहिए और समान सेवा शर्त भी होना चाहिए। समय पे भी तो जो एक और समस्या है कि सैलरी भी समय पे नहीं मिलती है, हर महीने तो मिलती ही नहीं है, तीन तीन महीने चार चार महीने बाद मिलती है। और इतना जैसे एक बार सैलरी का मतलब कि बजट इशू होता है एक महीने पहले और तीन महीने के बाद सैलरी आते आते उसे मतलब इतना टाइम। आप किस जिले से आ रहे हैं? पटना जिला से हैं। हाँ, पटना जिला से। कहाँ टीचर हैं आप? हम तो अभी दुलिनराय प्रखंड में टीचर हैं और यहाँ हम लोग संघ के तरफ से आए, संघ के आहूत के तरफ से आए हैं। और कहना यही है कि सरकार हम लोगों के साथ जो रवैया अपनाई है उसको उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक भी एक इंसान है और उसके लिए उसके परिवार उसका मतलब उस पर डिपेंड है। अगर एक शिक्षक को तीन महीने काम करता है और सैलरी नहीं मिलती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसके अलावा भी समस्या है कि जहां हम काम कर रहे हैं वही शिक्षक को 80,000 60,000 70,000 पेमेंट मिल रही है और हम लोग जो हैं तो हम लोग को नियोजित का एक दर्जा देकर हम लोग को एक तरह से अपमानित किया जा रहा है। और वेतन का भी मामला है तो वेतन में भी किसी को माने 22,000 23,000 करके और विभिन्न कैटेगरी में बाँट दिया गया है जिससे लोगों में एकता न हो और सरकार उनको फूट डालकर उनके साथ मतलब इस तरह का दमनात्मक नीति अपना रही है जैसे हम लोग को अंग्रेजों के समय जो अपनाया जाता था उसी तरह का यहाँ नीति अपनाया जा रहा है। तो आप ये सुन सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी जनसंख्या में जो पूरे बिहार के जो नियोजित शिक्षक है वो अपनी एक मांग समान काम समान वेतन और जो वक्त पर सैलरी नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से उन मांगों को लेकर के आज विधानसभा का घेराव करेंगे। और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए इंतजाम जो किए गए हैं आप उधर देखेंगे तो वज्र मशीन की भी इस्तेमाल और वाटर कैनन जैसे जो सुविधा है उस जो पुलिस की तरफ से है और पुलिस की भी चौक चौबंद जो है वो पूरी तरीके से की गई है ताकि विधानसभा
के घेराव के लिए जब ये जो नियोजित शिक्षक है वो आगे बढ़े तो विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही है वो जो है किसी तरीके से बाधित ना हो, तो काफ़ी चुनौती भरा काम रहेगा पुलिस के लिए भी। और नियोजित शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर के आज फिर सड़कों पर है। आप बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी छोटी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच। कुमार मुर्दाबाद।